हम आपके लिए ग्रीन टी लेकर आए थे। थैंक यू सो मच मदर। सॉरी सॉरी, आप बैठ के पीजिए आराम से, हम साफ कर देते हैं। पक्का से ये बिछुआ तो सरोजनी के ही है, बट ये इसके पैरों में कैसे आ गए? ओ गॉड, तो इसका मतलब ये सरोजनी है जो रूप बदल कर आई है। हेलो, कौन आप? हाँ ठीक है, हमारे सॉरी आपको इतनी रात को मैंने अपने रूम में बुलाया। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आपको हमारा नंबर कहाँ से मिला? इतने हैंडसम दूध का नंबर मिला कोई बड़ी बात है? ठाकुर दुष्यंत सिंह से लिया है। प्लीज कम। वो एक्चुअली मुझे यहाँ के हेरिटेज टेंपल पर एक अर्जेंट डॉक्यूमेंट बनाना है, सो आई नीड योर हेल्प। कैन यू प्लीज हेल्प मी फॉर दैट? बताइए। ये कुछ टेंपल्स की फोटोज है जो मैंने हर जगह पर जाकर क्लिक की है। पहले तुम ये देख लो। देखिए यहाँ पे तीन तरह के मंदिर है। पहला जो बहुत ही पुराना, जिसकी सही डेट तो मालूम नहीं है, लेकिन 200 से 300 साल पुराना। और दूसरा वो जो लोगों ने अपनी विश पूरी हो जाने के बाद बनवाया, और उसकी देखभाल भी वही करते हैं। और तीसरा लोक देवताओं का मंदिर है, जहाँ पे लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। एक बात बताइए सुमित्र, तुम इतने गुमसुम क्यों रहते हो? क्या तुम्हें किसी ने कोई सजा दी है? बताइए ना। Why did you just go and hide behind the door? Again, she'll start screaming. Just go. Hi, Manu. Hi. Somuji aaye the? Somuji? You listening? Somuji aaye the yahan par? Oh, Somuji. सुमेंद्र? या लेकिन वो यहाँ क्यों आएगा? तो तुम किससे बात कर रही थी इतना लाफिंग करके? I was talking to my family, my hometown. इतनी रात को? रात यहाँ है,
प्रदेश में दिन है। ओह या आई नो कौन बोला? ये सो मुझे ये घड़ी यहाँ पर कैसे आई? Oh yes, this watch is Sumindra's watch. मुझे अपने घर में इंडिया का टाइम सेट करना था, मैं ही मांग कर लाई थी। ये कौन बोला? सुजी मैडम, तुम यहाँ क्या सेटिंग करने आई हो? हम अच्छे से जानते हैं। What happened, Manu? तुम इतनी insecure क्यों हो रही हो? गलती ली है, तुम्हारा पति नहीं। कैसे लोगे? क्योंकि हम देने भी नहीं वाले। ओके? मनु, अरे सूजी मैडम को परेशान क्यों कर रही हो? उन्हें रेस करने तो बाहर आ। हाँ, आ रही हूँ। जा रहे हैं। बाय। बाय। जस्ट चिल, ओके? या ये कौन बोला? कौन बोला? सोमू जी कहाँ गए? क्या सोमू जी हमें सिर्फ आवाज देने आए थे? जब हम सोमू जी के कमरे में गए थे तो सोमू जी तो वहां थे ही नहीं, और जब हम यहाँ पर आए सूजी के कमरे में तो हमें रास्ते में भी कहीं नहीं दिखे, तो उन्हें कैसे पता चला कि हम सूजी के कमरे में? ये तो बड़ी सीरियस बात है। सीरियस बात नहीं पर घोटाला है। इस फिरंगी पे ना तुम्हें बारीक नजर रखनी पड़ेगी। बॉडी है आपकी, आप जानते हमें अपने आप से जलन होती कि कितना हार्ड पति पाया है हमने। हमारी पत्ती इतनी सुंदर कि हमारी बॉडी की मछलियां नाचने लगती है। तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं सब। सच्ची? सच्ची। तुम क्यों आए दूध लेकर? अम्मा कहाँ है? अब वो सूजी मैडम के लिए नाश्ता बना रही है ना, वही तो। जब से सूजी मैडम आई है सब उनके पीछे आगे नाचते रहते, कोई काम ही नहीं किसी और को। उसमें गलत कहा है, वो हमारी मेहमान है। मेहमानों के साथ जितना प्यार से पेश आएंगे ना, वो हमें अपना समझेंगे, खुलकर बात करेंगे। लेकिन तुम्हारे समझ में ये सब कुछ नहीं आने वाला। बैठ के दूध पियो। सोमू जी आ गया, सब समझ में आ गया। सोमू जी जो काम झगड़ कर गुस्से से लड़ाई कर कर नहीं हो सकता, वो हम प्यार से करेंगे। अब हम प्यार से सूजी मैडम की सच्चाई उगलवाएंगे। इट्स मनु स्टाइल। ये कौन बोला? ये मनु बोली, और क्या खूब बोली। चल मनु शुरू हो जा, स्टार्ट कर अपनी नौटंकी। ये कौन बोला? मदरी लॉज, सुबह सुबह ना आप हमें ग्रीन टी से नहला देती, देख के रास्ता नहीं काट सकती हैं। काहे, ऐसे तुम्हारा अधिकार है का रास्ते काटने का? ये कौन बोला? सुबह सुबह हमें टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट खिलाइए, गंदे गंदे ताने मत खिलाइए। डायरेक्टली बोलिए क्या प्रॉब्लम है, कहाँ लेके जा रही हो? ये हम उस लेडी के लिए लेके जा रहे हैं जिसका पूरा घर वर्शिप करता है। हम मैडम जी के लिए लेके जा रहे हैं, हम थोड़ी सेवा करेंगे तो हमें भी पुण्य मिलेगा।
वो क्या है ना, फादर इन लॉज ने हमें बताया था कि उनकी सुबह नहीं होती है ग्रीन टी के बिना, तो बस हम उनकी सुबह कराने जा रहे थे। ए, मन्नू बिटिया, इतना अच्छा काम न करो, शक होने लगता है। ये कौन बोला? हम कुछ भी करें तो आपको शक होने लगता है, हम अच्छा भी करने जाए तो भी आपको बुरा लगता है। तो एक काम करिए, आपको जो सोचना है आप सोचिए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम जा रहे हैं मैडम जी की गुड मॉर्निंग कराने। ओके, जय राम जी की। बेचारी सुच्ची मैडम कहीं इसके जाल में फंस न जाए। हम आपके लिए ग्रीन टी लेकर आए थे। थैंक यू सो मच मनर। ये कौन बोला? वेलकम जी, वो क्या है ना, कल रात को हमने आपको बहुत उल्टा सीधा बोल दिया तो हमें नहीं बहुत बुरा लग रहा था, हम सो भी नहीं पाए पूरी रात इस बारे में सोच सोच कर, तो सोचा सुबह आपके लिए ग्रीन टी लेकर आते और आपको सॉरी बोल देते। नो नो नो, इट्स ऑल ओके मनु, इट्स ओके। आप बैठ के पीजिए आराम से, हम साफ कर देते हैं। थैंक यू। नहीं होना तो छोड़ दीजिए ना। कैसे छोड़ दूं सुमेंद्र, सुहाग की निशानी है, पहनना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट रुकिए, हम आते हैं। रुकिए, रखिए ना। नहीं सुमेंद्र, ये क्या कर रहे हो तुम? रखिए ना मैडम। ये बिछुआ तो सरोजनी के ही है, बट ये इसके पैरों में कैसे आ गए? ओ गॉड, तो इसका मतलब ये सरोजनी है जो रूप बदल कर आई है। व्हाट हैपेंड मनु, कहाँ खो गए तुम? ये क्या कर रहे हो तुम मनु? बिछुए पहनते आप, वो भी एक फिरंगन होकर? यस, आई टोल्ड यू ना, मुझे इंडियन कल्चर बहुत अच्छा लगता है, आई जस्ट लव इट। और ये तो यहाँ के लिए बहुत स्पेशल है, इसीलिए मैं वो हर चीज ट्राई करती हूँ। लेकिन ये आप लेके कहाँ से आई? नो नो नो, ये मैंने नई खरीदी है, मुझे किसी ने गिफ्ट की है। गिफ्ट की है? किसने गिफ्ट की है? मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट की है। What happened, Manu? अच्छा नहीं लग रहा है मैं पैर में? अब ये बात नहीं है, वो एक्चुअली कहा है ना कि ये बिछुए सिर्फ मैरिड लड़कियां पहनती है, तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि आपकी फ्रेंड ने आपको ये बिछुए क्यों दिए। और वो क्या है ना कि हमारी एक जान पहचान वाली है जिसके पास सेम बिछुए। So what?
एक जस्ट से दो पीसेस नहीं हो सकते क्या? एनीवे, तुम्हारे क्वेश्चन से मुझे ऐसा लग रहा है जैसा मेरा ये पहनना तुम्हें प्रॉब्लम लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं इन्हें उतार देती हूँ। नहीं नहीं, हमें क्यों कोई प्रॉब्लम होगी? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो तुम्हें होगी जब ये बिच्छू तुम्हारी पोल खोलेंगे। क्या बात कर रही है बेटा? और नहीं तो क्या, हमें पूरा यकीन है वो कोई सूजी वूजी नहीं है, वो दिल्ली वाली अपना रूप बदल कर आई है। अरे जाओ बेटा, बता दो घर में सबको। ये कौन बोला? नहीं पापा, हम अभी बिल्कुल नहीं बता सकते। अगर हमने अभी बता दिया तो वो दिल्ली वाली अलर्टिंग हो जाएगी और वो बड़ी चालू पीस है, ऐसे घर में सब उसके आगे पीछे घूम रहे। हम अभी बता देंगे तो बेवजह हम विलेन बन जाएंगे। पहले हम कोई प्रूफ लेकर आएंगे और फिर उसका असली रूप सबके सामने लेकर आएंगे। बस बिटिया, अब हमका बताओ कि हमका क्या कर रहे हैं। पापा। अरे बेटा ये समझो, हो गया बस। हम तुम्हें बजरंगी का नंबर दे देते हैं, तुम उसे फोन करके दिल्ली वाले का एड्रेस ले लेना। हाँ ठीक है, बोलिए। ठीक है, ओके बाय। हेलो, नमस्ते अंकल, मैं सरोजनी की फ्रेंड बोल रही हूँ। मुझे ना उसका एड्रेस चाहिए था। सर सुनो, सूजी मैडम को ना मेन रोड वाला जमीन सब मत दिखाना। अगर कहीं उनको कुछ पसंद आ गया वैसा जमीन, चाहे बढ़िया जमीन, तो बोल देना कि झगड़ा झंझट वाला जमीन है। अच्छा कहा है, मुसीबत में फंस जाइएगा, काम नहीं हो सकता है, ठीक है ना? समझ गए बाबू जी, बिल्कुल। बेहुदा कोशिश करना कि जो अपना बंजर जमीन है ना, रेतहा सब बंजर, वही पसंद करे, वही भिड़वा देना। ठीक है। हे भगवान, ये लड़की पता नहीं कहाँ चली गई। अरे मन्नू गायब है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे मन्नू कहीं चली गई है। अरे क्या हुआ, कहाँ गायब हो गई? अरे वो सूजी मैडम को चाय देने गई थी। हाँ। उसके बाद से पता नहीं कहाँ चली गई। फालतू जाएगी कहाँ, यही कहीं कोने में घुसी होगी, छुपी होगी। लगता है कल के माफी वाले मामले को लेके नाराज है। अरे मायके ही जाएगी और कहाँ जाएगी, संग्राम को फोन लगा। वापस नहीं आए तो 101 नारियल चढ़ाऊंगी गणेश जी को। अरे हो गया, रहने दो ना। अरे संग्राम भाई, हाँ हाँ ठीक है, प्रणाम। कहाँ है आपकी सुपुत्री? है वहाँ आपके घर में मनु? हाँ है, उसका हमसे मिलने का मन हुआ तो चली आइए, देर शाम तक वापस आ जाएगी। सुनिए, जब शाम को आएगी ना तो उसके साथ में एक पोटली समझ और एक पोटली शर्म भी भेज दीजिएगा, कि आगे से जब घर से कहीं जाना हो ना तो बता के जाने का कष्ट करे वो, या किसी को पते नहीं है या उड़ गई है। बताइए। हाँ ठीक है, रखिए रखिए। सरोजनी, तुम्हारा या ना होना तुम्हारी पोल खोल देगा। ये कौन बोला? ये मन्नू बोली, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि इस टाइम मन्नू कहाँ है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। आप सरोजनी की मामी है ना? हाँ। क्या सरोजनी घर पे? हम उसे मिलने आए थे। सरोजनी से? नहीं है ना, हमें पता था। लो
हो गया हमारा काम। हमारा शक एकदम सही है, सरोजनी यहाँ नहीं है। होगी भी कैसे, सूजी बनकर वहाँ सेटिंग जो कर रही है। कौन है मामी?